हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में, जिसका कि नाम ब्रेडबोर्ड है। गाइस, ये ब्रेडबोर्ड गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। इसकी की एप्लीकेशन काफ़ी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसको हम निकाल के देखते हैं, इसका ओवरव्यू चेक करेंगे पहले। गाइस, इसका जो एप्लीकेशन ये होता है ब्रेडबोर्ड का, कि इसको हम कोई भी हमने सर्किट अगर जैसे कि डिज़ाइन किया, तो उस सर्किट को हम पहले इस ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये सर्किट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको पीसीबी बोर्ड पे, ज़ीरो पीसीबी पे लगाने से पहले। क्योंकि गाइस, ज़ीरो पीसीबी पे हमको इसकी सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, और सोल्डरिंग से बचने के लिए पहले हम सर्किट को अच्छी तरह टेस्ट कर लें। उसके लिए इस ब्रेडबोर्ड की काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन होती है। इस ब्रेडबोर्ड को काफ़ी ईजिली यूज़ किया जा सकता है, और इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि किसी भी जो हमने सर्किट को डिज़ाइन किया है उसके हम टेस्टिंग कर सकें। तो गाइस, आइए पहले इसके बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी इसके जो ये पॉइंट्स बने हैं ये किस यूज़ में आते हैं, ये वाले सारे पॉइंट्स इसको हम एक एक करके समझेंगे पहले, फिर इसकी एक छोटा सा सर्किट इसमें हम बनाकर देखेंगे गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस ब्रेडबोर्ड में कुछ वर्टिकल लाइंस हैं और कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं गाइस। तो इसको हम पहले ये चेक करेंगे कि इसके कनेक्शंस किस तरह से होते हैं इस ब्रेडबोर्ड के, और कैसे कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे गाइस। तो इसकी हेल्प के लिए हम कुछ जंपर वायर्स लेंगे, जिससे कि हम इसको समझ जाएंगे कैसे इसको हमें यूज़ करना है। तो गाइस, पहले तो हम समझते हैं कि कैसे ये ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस होते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर ये ब्लॉक्स बने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। हम यहाँ पर 5 के एक सेंटर में बिल्कुल यहाँ पर मार्किंग कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 के सेंटर में ऐसे मार्किंग कर देंगे गाइस। तो गाइस, इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि इसके जो कनेक्शंस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्टिकल लाइंस हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो अभी हम पहले चेक करेंगे कि ये जो ब्रेडबोर्ड है वो काम कैसे करता है। तो ये बेसिकली क्या है, इस ब्रेडबोर्ड में ये जो लाइंस है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं पीछे की तरफ से, जो इसके बैक साइड होती है, यहाँ से ये जो एक्सपोज नहीं है, यहाँ से ये जो लाइंस हैं ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। जैसे कि जो ये वाली लाइंस है, ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट रो जो है, इनको हम रो बोलते हैं और इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है, यहाँ से लेकर ये हाफ तक, यहाँ से लेकर हाफ तक ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो लेट सपोज अगर हम कोई कंपोनेंट यहाँ पे डालें, या फिर यहाँ पे डालें, यहाँ पे डालें, वो सारे के सारे कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ तक। और अगर हम इसको यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसको भी हम टेस्ट भी करेंगे गाइस। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो अपर लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट रो है, यहाँ पर दो रो हैं, फर्स्ट और सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपस में कनेक्टेड रहेगी। ऐसे ही जो फर्स्ट रो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपस में कनेक्टेड रहेगी, लेकिन ये ऐसे इस तरह से कनेक्टेड नहीं है आपस में। तो जो रोज हैं, वो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वो इस तरह से आपस में कनेक्टेड रहती हैं। जैसे कि नीचे वाली जो रो है वो आपस में कनेक्टेड रहेगी सिर्फ यहाँ तक। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 4 रोज बनती हैं ऊपर की तरफ, 1 2 3 4, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर नीचे की तरफ भी। यहाँ पर भी जैसे कि एक रो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस मिडिल पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फर्स्ट रो है वो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्टेड रहती है, और उसके बाद जो सेकंड रो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्टेड रहती है। और ये आपस में ऐसे इस तरह से कनेक्टेड नहीं होंगी, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर कुछ लगाएंगे और यहाँ पर कुछ लगाएंगे तो वो अलग अलग काउंट होंगे, वो दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो गाइज, ये तो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हम बात करेंगे वर्टिकल लाइंस के बारे में। सो गाइज, इससे पहले हमने बात की थी हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में, अब हम बात करेंगे वर्टिकल्स, जो ये हमारे लाइंस हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सो ये जो हैं, इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वाले जो कॉलम्स हैं ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट आपस में एक साथ कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक कनेक्टेड, जहाँ तक ये आपको पार्टीशन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पार्टीशन से बिल्कुल ऊपर तक ये अलग पार्ट है, और पार्टीशन से नीचे तक ये बिल्कुल अलग पार्ट है। सो गाइस, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो है लेट सपोज, तो ये वाली रो आपस में कनेक्टेड रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये वाली रो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ कनेक्ट रहेगी, और ये वाली रो यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट है ना, तो ये इससे कनेक्टेड नीचे वाली रो से, यानी कि इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ यहाँ तक है।
सो अगर हम इन पांच पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट में कोई भी कंपोनेंट इंसर्ट करते हैं तो एक ही पॉइंट पे इंसर्ट माना जाएगा, जैसे कि हम चाहे यहाँ पर करें हम चाहे यहाँ पर करें। सो ये सारे जो वर्टिकल्स हैं यहाँ तक ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन ये ऐसे इस तरह से यहाँ से इससे कनेक्टेड नहीं है। ये वाला अलग से कनेक्टेड है, ये अलग से कनेक्टेड है और ये अलग से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इस तरह से ये कनेक्ट माना जाएगा। इसका मैं आपको अभी लेआउट भी शो करूंगा इस वीडियो के अंदर, आपको उसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। तो गाइज हमने फर्स्टली अंडरस्टैंड किया है कि इसके कनेक्शंस किस तरह से होते हैं, क्योंकि कनेक्शंस करना बहुत ही इजी है इस ब्रेडबोर्ड पे अगर हमको इसके इंटरकनेक्शंस का पता हो कि इसके इंटरकनेक्शंस कैसे काम करते हैं। सो गाइज अभी हम एक सिंपल सा सर्किट जो है इसके ब्रेडबोर्ड पे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है ब्रेडबोर्ड। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि सर्किट किस तरह से है। जैसे कि ये हमारे पास बैटरी है, यहाँ पर बैटरी का ये पॉजिटिव है, बैटरी का नेगेटिव है, जैसे कि हर बैटरी का होता है। और एक हमारे पास 330 ओम का रेजिस्टेंस है सर, जो रेजिस्टेंस है वो उसका कोई पोलैरिटी नहीं होता, प्लस माइनस जैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारे पास यहाँ पे एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब का पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे कि आपको पता है सबको होता ही है। तो अभी हम ये सिंपल सा एक सर्किट जो है इसको हम इस ब्रेडबोर्ड पे अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो आइए गाइस चेक करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रेडबोर्ड लिया यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करेंगे इस बैटरी वाले पॉइंट से, ठीक है। तो बैटरी के लिए हम पहले बैटरी कनेक्टर यूज़ करते हैं। सो लेट सपोज इसका जो रेड वाला वायर है वो पॉजिटिव है और जो ब्लैक वाला वायर है वो नेगेटिव है। सो इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये वाले जो लाइंस हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो सपोज मैं जो बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ इस वाले पॉइंट पर, ठीक है गाइस। सो आप देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव है वो हमने डाल दिया है इस वाले पॉइंट पर। सो अब ये वाली लाइंस ये पूरी मेरे लिए फ्री है, अगर मैं यहाँ पे इस लाइन पे कुछ भी कनेक्ट करूँगा तो वो इस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड माना जाएगा। अब मुझे इस बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट करना है एक 330 ओम का रेजिस्टेंस, तो हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं उसे कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव पे। सो यहाँ पे मैंने इसका बैटरी का पॉजिटिव लिया। अब इसको हम चाहे तो जहाँ पे मर्जी कनेक्ट कर सकते हैं, हम चाहे इसको यहाँ पे कनेक्ट करें, हम चाहे यहाँ पर या फिर यहाँ पर, जहाँ पे मर्जी से हम कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। सो इसको हमने कनेक्ट किया और इसका एक एंड हमने डाल दिया है यहाँ पर, ऐसा कोई सर्टेन नहीं है, हम जहाँ पे मर्जी इसको डाल सकते हैं, हम चाहे यहाँ डालें चाहे यहाँ डालें, लेकिन हमें उसी पॉइंट पे डालना है जिस पॉइंट को कि हमको इस्तेमाल करना है। सो अगर हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया है तो हम इसी लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को ही यूज़ करेंगे आगे, हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इसी, ये पूरी लाइन इससे कनेक्टेड है आपस में। तो अब जो रेजिस्टेंस का जो सेकेंड जो एंड है, फर्स्ट एंड तो हो गया जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव से इसका रेजिस्टेंस का एक एंड कनेक्टेड है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है उसके साथ कनेक्ट होगा हमारा एलईडी बल्ब का पॉजिटिव। तो दूसरा एंड जहाँ पे कि कनेक्ट हुआ, यानी कि ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हमारा एलईडी बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। सो एलईडी बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल हम चेक करते हैं यहाँ पर, ये देखिए गाइस एलईडी बल्ब का जो पॉजिटिव है, ये जो मैंने जिस लैब को बैंड किया है वो इसका एलईडी बल्ब का पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे हम इसको एलईडी बल्ब का पॉजिटिव हमने कनेक्ट किया गाइस, ये देखिए गाइस, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने इस जिस लाइन पर ये रेजिस्टेंस लगा है उसी लाइन पर हमने इसको बल्ब का एक पॉजिटिव कनेक्ट किया है, और इसके बाद हमने जो बल्ब का नेगेटिव है वो कनेक्ट किया है इस लाइन पर। सो गाइस अब ये देखिए, जैसे कि ये जो बल्ब का जो नेगेटिव है यहाँ से ये बैटरी के नेगेटिव पे आ रहा है, ठीक है, बल्ब का जो नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव पे आ रहा है। तो हम अगर चाहें तो डायरेक्टली इस नेगेटिव को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं बल्ब के नेगेटिव के साथ, या फिर एक जंपर वायर के थ्रू भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ अभी। सो जैसे कि इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, ठीक है, अब हमें अगर हम इसको यहाँ तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते, या फिर हम एक जंपर वायर का इस्तेमाल करके इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे गाइस। तो ये जंपर वायर है मेरे पास यहाँ पे। सो अब अगर हम यहाँ पर चाहें तो इसको इस लाइन पर कहीं भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पर लगा दें, चाहे यहाँ पर या यहाँ पर लगा दें, क्योंकि पूरी लाइन आपस में ये वर्टिकली कनेक्टेड है। तो मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि हमको यहीं पर लगाना है, हम यहाँ पर कहीं भी, लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन पर ही लगाना होगा इसको। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद हम इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस।
सो यहाँ पर पॉजिटिव, अभी दोबारा से चेक कर लेते हैं बैटरी का पॉजिटिव, और बैटरी के पॉजिटिव से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो एलईडी के पॉजिटिव पे, और जो एलईडी का नेगेटिव है वो कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव पे। तो अभी हम इस पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि एलईडी बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत सिंपल सर्किट था, इसको यूज़ करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो अभी हम चेक करते हैं कि हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं, बस हमको एक कनेक्शन किस तरह से करना है, जो बैटरी का जो नेगेटिव है उसे हमें कनेक्ट करना है एलईडी बल्ब के नेगेटिव के साथ। तो आप देखिए, जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। ये देखिए गाइस, बल्ब ग्लो करने लगा है, इसको मैं अगर हटा दूँगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय हमने सारी की सारी वर्टिकल लाइंस को ही इस्तेमाल किया है इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। सेम चीज़ हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें यहाँ पे कंपोनेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये इस तरह से वर्टिकली कनेक्टेड है और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। इसके नेक्स्ट वीडियोस में गाइस, जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम इससे भी कॉम्प्लेक्स सर्किट लगाएंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर, ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके।